तो याद रखिए, किसी जादूगर के पास मालूमात के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, देखने के लिए जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि कोई शख्स किसी काहिन के अगर पास जाए तो उसकी 40 दिन की नमाज़ कबूल नहीं होती है। और एक और रिवायत ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन के पास जाए और उसकी बात पर जो वो कहे तस्दीक करे कि हाँ ये तो सच कहा, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो पता चला काहिनों के पास जाना 40 दिन की नमाज़ बर्बाद करता है, और काहिन के पास जाकर उसकी बात को मान लेना, तस्दीक करना, वेरीफाई करना कि हाँ सच का, तो ये अमल करने से इंसान कुफ्र काफिर बन जाता है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आप पे शरीयत नाजिल हुई, कुरान और सुन्नत नाजिल हुआ। तो हम देखते हैं किसी काहिन और जादूगर के पास सिर्फ यूं ही जाना, आजमाने के लिए जाना, देखने के लिए जाना कि कैसा करता, चलो देखेंगे, थोड़ी मालूमात हासिल कर लेंगे, या किसी के साथ जाके बैठ जाएंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी 40 दिन की नमाज ज़ाया करेंगे, आप 40 डेज की आपकी सलाह आपकी ज़ाया हो जाएंगी, याद रखिए, सिर्फ जाने से। और जाकर ये कहना कि अरे सच कहा इन्होंने, ये तो फिर इंसान को काफिर बना देता है। तो मेरे भाइयों, टेस्ट करने के लिए भी, सिर्फ मालूमात के लिए भी ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के पास जाना क़तअन दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इज्तनाब करें आप, बचें इन चीज़ों से, वरना ये चीज़ें हमारे अकीदे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक होती है हमारे अकीदे के लिए। तमाम चीज़ें याद रखिए, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में जो है गलत में चले जाते हैं, इसलिए कि एक तो उनको बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं, मालूमात नहीं, इल्म नहीं कि ये जादू वगैरह क्या होता है। फिर जाकर टेस्टिंग कर रहे अपने ईमान की कि चलो जाके देखेंगे कि कैसा होता है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और आप अपने हाथ से जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ को अपने नज़दीक और करीब करें। तो लिहाजा किसी जादूगर के पास यूं ही जाना या इल्म हासिल करने जाना या यूं जाकर कि मैं देखूं वो कैसा करता है, ये दुरुस्त और जायज़ नहीं होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।